किसानी अंदोलन दौरान शहीद होए किसानों के परिवारों नूं नौकरी देने दे ऐलान का सुखबीर सिंह बादल ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नौकरी का ऐलान चंगी गल है पर कैप्टन अपना किया होया वादा भी पूरा कर। शहीद किसानों के परिवारों नूं हुण तक सरकारी ऐलान के मुताबिक कोई रकम नहीं दित्ती गई है, ये उन्होंने इल्जाम लगाया। नाल ही केंद्र नूं जद छड़ के खेती कानून तुरंत वापस लैण की अपील की है। दिल्ली कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सरसा से दर्ज केस की उन्होंने वालों निखेधी की गई है। उन्होंने कहा कि किसानी अंदोलन च लंगर की सेवा करन ते एक कार्रवाई जो है उस सरसा के उत्ते की गई। दस दिए कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों ऐलान किया गया सगा कि जिहड़े किसान इस अंदोलन के दौरान शहीद होए ने उन्होंने परिवारों नौकरी दिती जाएगी। पंजाब सरकार वालों श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने इस ऐलान का स्वागत किया, पर नाल ही उन्होंने कैप्टन ने नसीहत भी दिती है कि वह अपना किया होया वादा जरूर पूरा करन। किते अजिहा ना हो जाए कि जदों सत्ता च आउण तो पहला कांग्रेस ने घर घर नौकरी का वादा किया सीगा उसका हशर की कुछ होया वो सब दे सामने। बड़ा दुख है कि जिहड़ा किसान जथेबंदी की मांग सेंटर सरकार ने नहीं मनी, ये कोई डेडलॉक की गल नहीं, शुरू तो ही कोई मंग नहीं सेंटर जित अड़ी है। तो सारे किसान इको एक चीज चाहते हैं रद्द कानून, तो सेंटर को करना चाहिए। एक सर कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों शहीद हुए किसानों के परिवारों को एक नौकरी देने का ऐलान किया गया, क्यों दे? बड़ी चंगी गल है, उन्होंने पर देनी चाहिए है। ऐलान बड़े किए, हले तक 10 लाख का ऐलान किया, हले 5 लाख भी नहीं पहुंचे परिवारों को। कैप्टन की आदत है ऐलान कर देंगे तो पर इंप्लीमेंट नहीं करते। वो बहुत उस पूरा झूठा केस मनजिंदर सिंह सरसा दे दर्ज किया गया है, क्योंकि मनजिंदर सिंह सरसा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान, जो सिख कम्यूनिटी के प्रधान उतों दिल्ली के, वो लंगर सेवा लगातार कर रहे थे, किसानों की सर सहयोग दे रहे थे। तो जान के प्रेशर उन्होंने पाने वास्ते कमिश्नर पुलिस ने उन्हें धमकाया भी है कि तुम जो करो नहीं तो परचा देना है। तो अब झूठा परचा दिता, असी स्ट्रोंगली कंडेम करते हैं, ए जी हरकतों से सेंटर नहीं आना चाहिए। 26 तरीक की परेड में अकाली दल जा रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल तो पिछले 4 महीने के नाल ही है,